Yeah. चने माँ की दाल, आप देख रहे हैं हरी मिर्च और ये रहा नींबू। आहा, और नींबू डालने से टेस्ट कुछ अलग हो जाता है। दोपहर के तकरीबन बज रहे हैं 1 और बारिश लगातार लगी है दोस्तों, जैसे आपने पहले भी देखा। और अभी हमारा टाइम होता है लंच करने का। लंच में आज हमारे बनी है कड़ी और चावल, तो मैं ले जा रहा हूँ ये हरी मिर्चें अपनी क्यारी से। ये स्टार्टिंग कर लेते हैं। हेलो नमस्ते प्रणाम, मेरा नाम है सुनील ठाकुर और आप देख रहे हैं पहाड़ी जिंदाबाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसको लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों बड़ी तेज़ बारिश हो रही है सुबह से। जब भी बारिश होती है तो हमें क्या होता है, काम कुछ नहीं होता है क्योंकि पशुओं के लिए घास ला नहीं सकते और भी कुछ काम नहीं होता, तो काम होता है हमें सिर्फ खाने का। तो अभी जैसे हम करेंगे लंच, तो आइए दोस्तों चलते हैं। लंच में हमारे बने हैं चावल और ये देखो आप चावल, ये रहे चावल, ये रही बड़ी और आलू की सब्जी दोस्तों, और ये रही कड़ी। और हम करते हैं लंच और बड़े दिनों बाद। आप ये देखो कौन है, ये है गौरू, और गौरू को खिला रहे हम खाना। गौरू को खाना कड़ी और चावल ये। और गौरू बड़ा शैतान होगी दोस्तों, बहुत शैतान होगी, बहुत ही शैतान। आप कम से कम इसको 15 या 20 दिन बाद देख रहे हैं ब्लॉग में, है ना गोलू? पब स्थान होगी। अब ये बोलती भी है गिजू बिजू गिजू बिजू गिजू बिजू गिजू बिजू। ये और मम्मी है आज की हमारे बोटी, है ना मम्मी? ये देखिए और ये रही हरी मिर्च खाने में तो हाँ है गौर तो खाने मिर्च खाने मिर्चू मिर्चू खाएगा ले। गौर ये बड़ी बड़ी शैतान होगी ये, ओरे परे, है ना? इसके पीछे चूल्हा दोस्तों, और जब आग जली होती है तब भी वहां भागती है। अब देखो ये देखो मेरी थाली की तरफ आ रही है। गोरू नो ले, नो 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 ये लो खा गोरू नो लो खा खोल तो ये देखो दोस्तों मम्मी के दर्शन भी अब बड़े दिनों बाद कर रहे हैं। ठीक है मम्मी हैं बर्ख लगी कोई काम नहीं था, खाने का काम हुआ ना है, पकौड़े बुनने हैं पहले बर्ख लगी बुन देना। खाना खा के हम आ चुके हैं दोस्तों बाहर, और अभी जैसे थोड़ी जैसी बारिश थमी है सामने आप देख सकते हैं, और पूरा दिन शायद आज बारिश होगी। और सबसे ज्यादा काम होता है हमें पशुओं का। ये देखो ये हमारे पशु, इनको बाहर बांधा है हमने, आप सोच रहे हैं इनको अंदर बांधे क्योंकि मक्खी मच्छर काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और जैसे मम्मी इनको पानी पिला रहे हैं और अब इनको बांध देंगे हम अंदर। सब्जियां लगाई हैं देखो, ये जो बेल दिख रही है इसमें करेले मिलेंगे आपको, तोरी मिलेगी, और नीचे हमने मिर्चियों की बिजाई कर रखी है क्यारी में, और इधर वाली सड़क रखी है हमने मक्की की बिजाई, खाने वाली मक्की करी बिजाई कर रखी है। देखो अभी मक्की खाने लायक हुई नहीं है, और थोड़े 15 या 20 दिनों बाद मक्की फिर खाने लायक हो जाएगी दोस्तों। और हमारे यहाँ त्यौहार भी आता है एक सैर, तो सैर के बाद ही हम ककड़ी होती है मक्की होती है ये खाते हैं, उससे पहले नहीं खाते हैं। बोलते हैं अगर उससे पहले लग जाए और खा लो तो अगले जन्म में बिल्ली बनते हैं या गिद्दड़ बनते हैं, ऐसा कुछ बोलते थे पुराने बुजुर्ग। तो अब मम्मी इनको नहा रहे हैं दोस्तों, फिर से इनके ऊपर पानी फेंक रहे ताकि
अगर जहाँ से वहाँ से गंदी हुई गोबर गाबर इनको लगा है तो ऐसे वे साफ हो जाएंगी। ये देखो इतनी मेहनत होती है पशुओं की, तब मिलता दूध। मतलब मौसम खराब होते हैं या बारिश वाले दिन में ट्रैवल ना करें दोस्तों, क्योंकि स्लाइडिंग का आजकल पता नहीं होता है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि पहाड़ों में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं रोड, और जिन रोडों पर खासकर स्लाइडिंग होती है या ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। यह ककड़ी की बेलें, इनमें भी फूल लगने स्टार्ट हो गया, मतलब यहाँ लगेगी ककड़ियाँ, और ये देखेंगे आप कुछ टाइम बाद दोस्तों। शाम के बज रहे हैं तकरीबन 4:30, और मैं जा रहा हूँ पीने का पानी लाने के लिए बावड़ी से, और हम पीने का पानी लाते हैं दोस्तों सिर्फ बावड़ी से, और नहाने धोने का पानी इस्तेमाल करते हैं नल से। तो सुबह बारिश काफ़ी तेज़ थी, तो अभी जैसे मौसम खुल चुका है, अब धूप आ चुकी है, और हमारी बावड़ी है गाँव क्रॉस करके हमें जाना पड़ता है बिल्कुल गाँव के एंड तक, जहाँ पीने का पानी मिलता है वहाँ नालू भी है, बावड़ी भी है, और दो तीन स्रोत हैं पानी के। आइए चलते हैं फिर। अब दोस्तों धान की फसल भी धीरे धीरे पक जाएगी, सामने देख सकते हैं इनमें अब थोड़े थोड़े दाने आने लग गए हैं। बावड़ी के पानी की बात ही अलग है कुछ दोस्तों। हेलो नगर पियो पानी, ठंडा ठंडा पानी, जा ठंडा ले बोले, पानी पी लो, पानी पी लो, बाज लो। बावड़ी से लाया हुआ पानी दोस्तों बड़ा टेस्टी होता है, स्वाद ही लग गया ना मम्मी, ठंडा ठंडा। बोलू जाओ ड्राइवर साहब, जाओ गेड़ी मारो, चलो अरे गुरु गलो बजने को आए हैं, और मैं और मम्मी अब जा रहे हैं घास लाने को, क्योंकि दिन भर सुबह
बारिश बंद नहीं हुई और अभी बारिश बंद हुई है तो कल भी बारिश ना लगे तालिये में गा ना, तो ऐसा है। अब जल रहे हम घास। आज बन रही है दोस्तों हमारे यहाँ मक्की की रोटी, और ये इसको बोलते हैं हम अपने लैंग्वेज में गुल्ली। तो ये पहाड़ों में सबसे बेस्ट बात ये होती है कि किसी भी चीज़ को हम ऐसे ही नहीं फेंकते, उसका यूज़ करते हैं बखूबी। दोस्तों देखो, दाने निकालने के बाद ये जो बच जाती है इसको टंकी में या कहीं स्टोर कर देते हैं, और फिर सर्दियों में ये जलाने के काम आती है और इसकी आग बड़ी अच्छी जलती है। ये देखो, ये दाने अलग, दाने खाने के काम और ये जलाने के काम। और ये बन रही है मक्की की रोटी आज। और मक्की की रोटी दोस्तों, चपाती और मक्की की रोटी में ये अंतर होता है कि मक्की की रोटी खाने में गर्म होती है, सर्दियों में ज्यादा इस्तेमाल करते हैं हमारे यहाँ मक्की की रोटी का। और पंजाबी लोग जैसे साग खाते हैं तो हम लोग भी साग के साथ खाते हैं, दूध के साथ खाते हैं, माँ की दाल होगी दाल के साथ खाते हैं, कढ़ी के साथ खाते हैं। तो सबसे अच्छी जो लगती है मक्की की रोटी, तो दूध के साथ, दूध में डालो घी उसको खाओ, वो बड़ी टेस्टी लगती है दोस्तों। या तो फिर अरबी की जो कड़ी होती है जो हमारे हिमाचल की फेमस होती है उसके साथ खाओ तो और भी लाजवाब होती है मक्की की रोटी खाने में। तो और साग के साथ तो खाते खाते हैं जैसे पंजाबी लोग खाते खाते हैं, और हम लोग ऐसे डिफरेंट उसके साथ खाते हैं। और पुराने टाइम में बड़े बुजुर्ग मतलब मक्की की रोटी ज़्यादा पसंद करते थे, अब जैसे जैसे टाइम बदल रहा है वैसे वैसे मक्की की रोटी कोई कोई पसंद करता है ना मम्मी, है ना। उनकी दिख रहा है मक्की रोटी कितनी बनाए, कम से कम महीने एक डेढ़ महीने बाद बना रहे हैं दोस्तों, और देखो कितना सही लग रही है। और ये गर्मा गर्म ये तो दोस्तों अब हमारे डिनर करने की तैयारी हो चुकी है, और ये आ गए देखो खाना खाने के लिए। भूख लग रही बोला अम्मा, भूख लग रही अम्मा, गोलू बोला अम्मा, भूख लग रही अम्मा, भूख लग रहा भूखू। और चने और मूंगी मतलब मिक्स दाल बनी है, और एक चूल्हे पे बनी हुई दाल है दोस्तों, इसका कलर भी देख सकते हैं आप। आहा ओए ओए चुप। सो दोस्तों डिनर की तैयारी हो गई है, और चने माँ की दाल आप देख रहे हैं, हरी मिर्च और ये रहा नींबू। आहा, और नींबू डालने से टेस्ट कुछ अलग हो जाता है, ये अद्भुत। ले गुरु ले। क्या टेस्टी टेस्टी कौ टेस्टी है टेस्टी नींबू ले। हम बोले फिर दो गुरु तो दोस्तों हम कर रहे हैं अब डिनर। ये देखो इधर प्रियंका खा रही है और मम्मी बना रही है ये, और इधर ये इंस्पेक्शन के लिए, ये पूरा देखने के कौन कौन कैसे कैसे खा रहा है।
तो पहले सबसे पहले गुरु खिलाए थोड़ा जा मम्मी, देवी माता, ये हमारे घर की देवी माता है और सबसे पहले वो खिलाते हैं देवी माता को। लो देवी माता, ले गुरु, टेस्टी गर्म। तो दोस्तों ठीक है, अब हम कर लेते हैं डिनर। ये जी, ये रोटी ली ऐसे को, आहा, थोड़ा सा नींबू डाला इसमें और ओहो, चूल्हे पे बनी हुई रोटी से स्वादिष्ट कुछ भी नहीं है, मतलब इतना टेस्टी लग रहा है कि मजा आ गया। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट दिन नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखें, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय माता दी।